नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एकेडमिक हब पर। दोस्तों, मैंने आज सोचा, मैंने आपको साइंस में बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो दोस्तों मैंने सोचा आज चैप्टर फर्स्ट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैंने सोचा आप लोग को वो क्वेश्चंस मैं बता दूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स डाइट कैन नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड आर नोन एज। क्वेश्चन का मतलब है, वैसे जानवर जो अपना भोजन को खुद नहीं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया है, उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड एनिमल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिनरल्स के जगह पे एनिमल्स बाय मिस्टेक लिख दिया हूँ मैंने, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनरल्स। मतलब दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब है, वो कौन सा पौधा का भाग है जो पानी और पदार्थ जमीन से सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रूट्स। यहाँ लिख लेते हैं रूट्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। मतलब क्वेश्चन का मतलब है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, पहले लिखते हैं टेक इन डैश कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 और रिलीज में होगा ऑक्सीजन। इसका क्या होता है, O2। दोस्तों, ये सब मैंने अपने उस वीडियो में, पहला वीडियो जो मेरे YouTube चैनल का था, जिससे मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, उस सब में मैंने ये क्वेश्चंस बताया हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। पौधे के फूड फैक्ट्री, भोजन कारखाना किसे कहते हैं। दोस्तों, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट लीव्स को कहते हैं, लीव्स। दोस्तों, किसको कहते हैं, लीव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक नाम बताइए। दोस्तों, आप सबको पता होगा, पर उनमें से जो ज़्यादातर सबको याद होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो नॉर्मल है, पिक्चर प्लांट। दोस्तों, पिक्चर नहीं, ओनली पिक्चर, टी साइलेंट रहता है, पिक्चर प्लांट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, मतलब है, मशरूम होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है। तो दोस्तों, ये होता है सैप्रोट्रॉफ, ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है, सैप्रोट्रॉफ। दोस्तों, आपको मैं एक बार और याद दिला दूँ,
अगर आप लोगों ने वो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स आर नोन एज, जो ग्रीन पिगमेंट पौधे में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? दोस्तों उनको कहते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज, दोस्तों क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें हम लोग भोजन लेते हैं और वह हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। प्रोसेस क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार फिर से फ्रेश देख लीजिए। और दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।